कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन्स ओपन। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JS Private ITI ग्रुप में। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसमिशन पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कितने वोल्टेज तक की लाइनों को लेते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखेंगे और वोल्टेज हमारे किसके अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है वो किस किस प्रकार के, किस किस आधार पर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो लाइन हम लोग ट्रांसमिट करके आती है, ठीक है। जो लाइन ट्रांसमिट होकर के आती है उसको स्टेप डाउन करके हम लोग अपने यूज़ मिले, उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। जो लाइन हमारी हाई वोल्टेज की होती है उसको स्टेप डाउन जब किया जाता है लो वोल्टेज में, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है वोल्टेज के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज के आधार पर आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो 11 से 33, ठीक है, कितना होता है 11 से 33 के वी तक, ठीक है। 11 से 33 के वी जो होगी वो हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन कहलाएगी, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका 650 वोल्ट, ठीक है, 650 वोल्ट जो होगा उससे नीचे की जितनी भी लाइनें होंगी, ठीक है, उससे नीचे की जितनी भी लाइनें होंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है, 650 वोल्ट से नीचे की लाइन। इसी में कई डिफिनीशंस आती है, जैसे कि फीडर, ठीक है, फीडर क्या होता है 11 केवी, यानी 33/11 वाली जो लाइन होती है, ठीक है, 33/11 वाला लाइन को हम लोग फीडर कहते हैं। ये क्या करता है कि जब हमारी लाइन आती है ट्रांसमिट होकर सेकेंडरी ट्रांसमिशन से, तब यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। वो क्या करता है, फिर इस लाइन को आगे हमने डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजता है, ठीक है, वितरण केंद्र तक भेजता है। फिर वितरण केंद्र से वितरक तक जो लाइन जाती है, ठीक है, वितरण केंद्र से वितरक तक यानी डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, फीडर लाइन कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फीडर लाइन कहेंगे। फिर इसके बाद आता है सर्विस मेंस, ठीक है, नहीं सॉरी, फीडर हो गया। इसके बाद एक आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये याद रखिएगा, ये थ्री फेज, ठीक है, थ्री फेज थ्री वायर होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई टेपिंग नहीं निकलेगी, ठीक है, ये डायरेक्ट थ्री फेज थ्री वायर होगी। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर में जब यहाँ से ये लाइन आगे चलेगी, ठीक है, ये जो थ्री फेज 11 के भी 33/11 वाली है, ये जब लाइन आगे जाएगी हमारी, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, वितरण केंद्र के पास आई। अब यहाँ से जो लाइन निकलेगी, ठीक है, यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो उसके साथ दो दो लाइन चलती है, कि 11 केवी भी चलती है, ठीक है, और एक 440 चलती है। क्या चलती है, 440 भी चलती है। ये याद रखिएगा, ये जो 11 केवी वाली लाइन है, ठीक है, 11 केवी वाली लाइन को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, वितरक तक आती है और वहाँ पे एक 440 की भी वोल्टेज चलती रहती है, जो हमारा क्या किस टाइप का होता है, थ्री फेज फोर वायर होता है। क्या होता है, थ्री फेज फोर वायर, ठीक है, थ्री फेज फोर वायर का होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्राइमरी फीडर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपकी दो तीन वोल्टेज और आती है, 6.6 होती है, 3.3 केवी, ठीक है, 6.6 और 3.3 केवी भी हमारी क्या कहलाती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। इसमें एक ऑप्शन बार बार इसमें बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलता है इनमें से कौन सी ऐसी लाइन मतलब उसकी नहीं है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है। तो याद रखिएगा 11 है, 33 है, 6.6 और 3.3 भी है, ठीक है। अगर उसमें एक ऑप्शन ये देता है, ये बहुत ही फिक्स क्वेश्चन है, 0.9 या 9.9 अगर ऐसा कोई केवी देता है कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो बोलेंगे नहीं, 9.9 हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे थ्री फेज फोर वायर आया, इसी में क्या करते हैं हम लोग, इस वाली लाइन में, डिस्ट्रीब्यूटर वाली लाइन में क्या होता है कि यहाँ ये जो लाइन है ये हमारे खंभे तक आती है, कहाँ तक आती है, खंभे तक आती है, जहाँ पे इसको थ्री फेज फोर वायर में कन्वर्ट किया गया, फिर वहाँ से हम लोग अपने घर के लिए लाइन लेते हैं, ठीक है। ये खंभे तक की लाइन जो आती है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लाइन कहेंगे। इसमें थ्री फेज फोर वायर रहेगा, यहीं पे आपको तीन फेज और न्यूट्रल मिलेगा, क्या मिलेगा, थ्री फेज और एक न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है, यहीं पे थ्री फेज न्यूट्रल मिलेगा। पोल तक आ गई आपकी लाइन,
इसके बाद पोल के बाद जो हमारे घरों तक आती है, ठीक है, घरों तक जिस केबल से लाइन खींचते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर्विस मेन। क्या कहते हैं? सर्विस मेन लाइन कहते हैं, सर्विस मेन लाइन, ठीक है। सर्विस मेन लाइन में क्या आता है? 230 वोल्ट होगा, 440 या 415 थ्री फेस की भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारी लाइन कहलाती है सर्विस मेन्स लाइन, ठीक है। ये लास्ट में हम लोग के जो घर तक आती है मीटर तक, वहाँ की लाइन जो कहलाती है हमारी सर्विस मेन कहलाती है। तो दोस्तों ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी देख लेते हैं कि जो हमारा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लेआउट के आधार पर कैसे विभाजित होते हैं, ठीक है। उसमें जो होता है हमारा दो टाइप से विभाजित होता है, एक ओवरहेड होता है, एक अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। ओवरहेड ट्रांसमिशन और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन या अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेआउट के आधार पर हमारा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप में होता है लेआउट के आधार पर, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है। ये होता है ओवरहेड और ये होता है अंडरग्राउंड, ठीक है, ओवरहेड और अंडरग्राउंड। ओवरहेड जो सिरुपरी लाइन होती है उसे हम लोग ओवरहेड लाइन कहते हैं, और जो हमारी जमीन के अंदर से जो जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड लाइन कहेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड लाइन कहेंगे। ओवरहेड में क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 400 वोल्ट्स तक जा सकता है, ठीक है, 400 किलो वोल्ट्स तक, ठीक है, इतना तक जा सकता है, और 220 400 यहाँ तक की हमारी ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, ओवरहेड लाइन में। बट हमारा अंडरग्राउंड में कितना होता है? 11 kV और कभी कभी 66 kV भी देता है, ठीक है। 66 kV तक की लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? अंडरग्राउंड में हम लोग आराम से पास कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ओवरहेड में कंपोनेंट देख लीजिए, ठीक है, ओवरहेड में कंपोनेंट जो होगा वो क्या क्या होंगे? इसमें होगा पोल, ठीक है, सबसे पहले पोल होगा, फिर उसके बाद इंसुलेटर है, ठीक, इंसुलेटर होता है, फिर उसके बाद आपका होता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इस सब चीज़ के अंदर, ठीक है, पोल होता है, इंसुलेटर होता है, वायर भी होते हैं, ठीक है, कौन सा वायर कहाँ पे यूज़ किया गया, सर्किट ब्रेकर भी होंगे, ये सब क्या होंगे? ओवरहेड का हमारा होगा। और ये जो सर्किट ब्रेकर है ये यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अंडरग्राउंड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं लेआउट के आधार पर? अंडरग्राउंड के कंपोनेंट होंगे आपकी केबल, ठीक है, वायर और केबल में अंदर रखिएगा। वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है? उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं चढ़ाता है, बट केबल के अंदर क्या होता है? आवरण चढ़ा होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इसके कंपोनेंट क्या हुए? केबल हुआ, ठीक है, केबल हुआ, सर्किट ब्रेकर हुआ। सर्किट ब्रेकर एक ही बार पढ़ाएंगे, वो आपको इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, ठीक है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में याद रखिएगा 11 kV 66 वोल्ट तक का भी हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन होता रहता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में। ये याद रखिएगा कंपोनेंट क्या क्या पढ़ेंगे? केबल और सर्किट ब्रेकर। दोस्तों अभी इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट देखेंगे, पोल, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, वायर और इधर केबल, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।